हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड बीएसटीसी इंटर्नशिप को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो आपके फॉर्म हैं इंटर्नशिप के फॉर्म, वो आज से शुरू हो गए हैं और ये जो फॉर्म है इंटर्नशिप के फॉर्म 14 मार्च तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इंटर्नशिप का जो टाइम टेबल है वो अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों आज इंटर्नशिप का जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, वो अपडेट हो गया है। उसके अंदर आपको ये भी बताया जा रहा है कि कौन सी तारीख को आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, अर्थात इंटर्नशिप के लिए जो स्कूल अलॉट होंगे वो अलॉट कौन सी तारीख को होंगे, वो भी उस टाइम टेबल के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सी तारीख को स्कूल अलॉट होंगे, और साथ में दोस्तों आप वीडियो के नीचे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कॉलेज के अंदर आपसे इंटर्नशिप के फॉर्म लिए या फिर नहीं लिए, या फिर आपने इंटर्नशिप का फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा, ये ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है। चलिए दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ इंटर्नशिप की मेन वेबसाइट पर, वहाँ पर मैं आपको इंटर्नशिप का जो टाइम टेबल है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं इंटर्नशिप की मेन वेबसाइट पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, चौथे नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल्ड का। इस शेड्यूल्ड के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। जैसे इस शेड्यूल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो इंटर्नशिप का टाइम टेबल है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है। सबसे पहले मांगा जा रहा है कोर्स, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे बीएड कोर्स कर रहे हैं तो बीएड सेलेक्ट करें। ईयर, दोस्तों फर्स्ट ईयर वालों के अभी फिलहाल इंटर्नशिप नहीं आई है, लेकिन वो भी इस प्रकार से चेक करते रहें क्योंकि जो शेड्यूल अपडेट होगा वो इसी तरीके से होगा। फिलहाल सेकेंड ईयर वालों के लिए न्यूज आई है तो मैं सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो राउंड है, फिलहाल फर्स्ट राउंड ही है। उसके बाद में ये कैप्चा कोड भरने के बाद में हम करेंगे सर्च पर क्लिक, तो हमको जो टाइम टेबल है वो पता चल जाएगा। तो मैं फटाफट से कैप्चा कोड फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर लिया है। अब जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे, तो सर्च पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप नीचे की साइड आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम टेबल है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो टाइम टेबल है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं, और जो रजिस्ट्रेशन होगा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन वो भी 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में होगा। और आप जो स्कूल चॉइस करोगे और जो चॉइस लोग करोगे उसकी डेट भी लास्ट डेट 14 मार्च रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कौन सी तारीख को स्कूल अलॉट होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 मार्च को आपको ये स्कूल अलॉट हो जाएंगे, अर्थात 14 तारीख लास्ट डेट है, उसी के अगले दिन आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा कौन सी स्कूल आपको इंटर्नशिप के लिए मिली है। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। इंटर्नशिप के फॉर्म की लास्ट डेट के 10 दिनों के बाद जो स्कूल है वो अलॉट होते हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट डेट के तुरंत बाद ही आपको जो स्कूल है वो अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट ईयर वालों की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी भी, जो भी अपडेट होगी सारी सूचना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे दोस्तों ऐसी जो अपडेट है हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़े। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।